पूरी दुनिया में पेट्रोल के प्राइसेस, पेट्रोल की कीमतें नीचे हैं, सबसे ज्यादा नीचे हैं। हमारे यहाँ इतना महंगा क्यों है पेट्रोल और रोज के रोज उसकी कीमतों में रिविजन क्यों होता है? मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। पहले 1 सितंबर 2017 को, यानी 4 दिन पहले, पेट्रोल की कीमत थी 69.26 रुपए पर लीटर और डीजल की कीमत थी 57.13 रुपए पर लीटर। वैसे शहरों में भी फर्क है हमारे यहां। हम देश को देखते हैं, भारत में पेट्रोल 69.26 रुपए लीटर, पाकिस्तान में 42.14 रुपए लीटर। वही पेट्रोल जो यहां 69.26 रुपए लीटर मिल रहा है, पाकिस्तान में 42.14 रुपए लीटर मिल रहा है, से इंडोनेशिया में 40.58 रुपए। जबकि पूरे दुनिया में जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं वो 2012-2013 से आधी कीमत पर आ गई हैं और 2013-2014 के लेवल पर है। हम जो कीमत अदा कर रहे हैं सब पेट्रोल और डीजल की, उसमें 45 से लेकर 52% तक सिर्फ टैक्स होता है जो सरकार को जाता है। पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी और चीजों की भी कीमतें कम हो जाएंगी अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाया जाए और 28% जो हाईएस्ट जो उनका रेट है जीएसटी वो भी लगा दिया जाए, तब भी इसकी कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत नहीं लाया गया है। एक्साइज ड्यूटी जो थी पेट्रोल की वो 9.48 रुपए थी, आज 21.48 रुपए है। डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3.56 रुपए थी तब, इनके आने से पहले सत्ता में मौजूदा सरकार के, आज 17.33 रुपए है। 3.56 रुपए से बढ़ाकर 17.33 रुपए एक्साइज ड्यूटी कर दी गई है। यानी पेट्रोल के केस में ये जो बढ़ाई गई है ये 226% बढ़ाई गई है और डीजल के केस में 486% बढ़ाई गई है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। दुनिया में इसका आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि इस ढंग से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई हो, अनाप शनाप तरीके से। और लॉजिक, मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना